हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हम इंग्लिश स्पीकिंग गेम यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा मेन पर्पस ये है कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे, लेवल वन से हम स्टार्ट करेंगे और हम एक्सट्रीम लेवल तक चलेंगे। प्रॉपर प्लानिंग है इसमें, आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे। हम आपको बताते जाएंगे, अगर आप बने रहोगे हमारे साथ आपको कितना कुछ और सीखने को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हम बात करें, आपको ये कोर्स कौन स्टार्ट करेगा? स्मृति मैम जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको कोर्स स्टार्ट करवाएंगे और एक्सट्रीम लेवल तक इस कोर्स को ले जाएंगे। देखो, कई तरह के स्टूडेंट्स रहते हैं, कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मॉडरेट लेवल पे रहते हैं कि हाँ वो कुछ बोल भी सकते हैं, कुछ मिस्टेक्स वगैरह करते हैं, कुछ अच्छे लेवल के रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं। देखो, इस कोर्स की ज़रूरत आपको पता है कि सभी को रहती है। एक लैंग्वेज है और एक ऐसी लैंग्वेज जिसको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, तो इसका इसके बारे में पता होना, इस लैंग्वेज को बोलना आप सभी को आना ही चाहिए। इतना तो आप सभी को पता है ना, आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, कुछ भी हो, सभी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप कहीं ऑफिस में चले गए, कहीं होटल में चले गए हो, किसी मेट्रो स्टेशन पर हो, पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए गए हो, आप खुद स्टूडेंट हो, डिस्कशन वगैरह करते हो, इंटरव्यू फेस करते हो, तो सब जगह इंग्लिश जो है आप कह सकते हो मस्ट रह जाती है। तो वहाँ पर ऐसी लैंग्वेज का आना आप सभी को सभी के लिए ज़रूरी रहता है। तो हम किन के अकॉर्डिंग ये कोर्स स्टार्ट करेंगे? हम मान के चलेंगे कि आप बिगिनर लेवल पे हो, अभी आपने जस्ट स्टार्ट करा है सीखना, तो हम उस तरह से आपको पढ़ाना चाहते हैं, उस तरह से हम कोर्स को स्टार्ट करना चाहते हैं। बाकी हम देखेंगे आपका फीडबैक कैसा रहता है, आपको फीडबैक ज़रूर देना है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है क्या हमें ये लेवल वन से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, या हमें एक अच्छे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। हमें उस लेवल से स्टार्ट करना चाहिए कि हम ये मान के चले कि हाँ आप इंग्लिश वगैरह समझ लेते हो अच्छे से, आप थोड़ा बहुत बोल भी लेते हो, हम उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करें। वो आपने बताना है कि हम लेवल वन से स्टार्ट करें या हम मॉडरेट लेवल से स्टार्ट करें, वो आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे। हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और क्या आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो? अगर हो तो पर यस बोल देना, नहीं हो तो नो बोल देना। वीडियो को शेयर करें, तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वोटिंग वगैरह मिल पाएगी और हम आगे और प्लानिंग के साथ वीडियोस को बनाना स्टार्ट कर देंगे। कोर्स कैसे स्टार्ट होगा वो मैम आपको बता देंगे, जो इंट्रोडक्शन देंगे ना मैम, वहाँ पर आपको सब कुछ मैम बता देंगे। व्हाइट बोर्ड का अरेंजमेंट हो चुका है, माइक अरेंज हो चुका है, आने वाले कुछ दिनों में आपको सब कुछ प्रॉपर इंट्रोडक्शन वगैरह मैम की तरफ से मिल जाएगा, तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए आपको। देखो, होता मैक्सिमम केसेस में या मेजोरिटी केसेस में ये रहता है कि आपको जो कोई आदमी सामने वाला इंसान जो इंग्लिश वगैरह बोल रहा है वो आपको मैक्सिमम केसेस में समझ आ जाता है, बस आपको बोलने में प्रॉब्लम रहती है। तो मैम बिल्कुल बेसिक लेवल से बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है, कैसे मतलब कोर्स वगैरह जो भी होगा ना वो सब कुछ मैम आपसे डिस्कस कर लेंगे। हमने यहाँ पे क्या करना है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, उसके बाद कुछ भी और आप ले और भी बहुत सारी प्लानिंग की, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा जो हमारे फैमिली के मेंबर हैं, जो इस जेके लेटेस्ट इन्फो फैमिली के मेंबर हैं उन्हें इस ग्रुप के बारे में पता ही है। यहाँ पर अभी क्या रहता है, लड़कियों के लिए सेपरेट ग्रुप है और लड़कों के लिए कॉमन ग्रुप भी है, ठीक है? आपकी अपनी मर्जी, आप गर्ल्स वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप लड़की हो तो गर्ल्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी कॉमन भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर अभी फिलहाल प्रेजेंट में क्या रहता है, वहाँ पर चैट ऑन रहती है 2 घंटे के लिए, पूरे दिन में 2 घंटे के लिए वहाँ पर चैट ऑन रहती है। वहाँ पर आप अपने कंपिटेटिव की जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो उससे रिलेटेड आप डिस्कशन वगैरह करते हो, तो उस टाइम को छोड़कर हम आधा घंटा या 1 घंटा एक्स्ट्रा अलग से रखेंगे, जहाँ पर आप क्या करोगे, सिर्फ पर्टिकुलरली इंग्लिश पे आप चैट किया करोगे। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हम आपको टॉपिक दिया करेंगे, सिंपल से टॉपिक दिया करेंगे, आप वहाँ पर डिस्कशन किया करोगे। वहाँ पर ये बेनिफिट रहने वाला है कि किसी ने आपकी शक्ल तो देखनी नहीं है, आप किसी के सामने तो हो नहीं, आपने मोबाइल में सिर्फ चैट करनी है, बस ऐसा करना है कि आपने इंग्लिश में चैट करनी है। क्योंकि होता ना, कुछ स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है कि हम दूसरों के सामने बोलेंगे ऐसे, अगर एक बार आप टाइपिंग पर अच्छे हो जाओगे, इंग्लिश लिखना आप स्टार्ट कर दोगे, है ना, वो प्रैक्टिस होती है एक तरह की, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आने वाले टाइम पर आप किसी से बात भी कर सकोगे। वो बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम एक चैट टाइम पर्टिकुलरली इंग्लिश के लिए भी रखेंगे, जहाँ पर आप इंग्लिश में डिस्कशन किया करोगे। टॉपिक हम आपको दिया करेंगे, वहाँ पर जाकर अपनी डिस्कशन वगैरह करनी है। और जो भी स्टूडेंट्स उस ग्रुप में ऐसे रहेंगे जो मतलब जिनका लेवल अच्छा नहीं, जो भी स्टार्ट सीखना चाहते हैं, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि कोई भी किसी भी तरह का आपको मजाक नहीं उड़ाएगा। अगर वैसा होगा तो उनको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। सभी आपको असिस्ट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जो अच्छे हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग की बात उसमें अच्छे हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। कोई भी आपको किसी तरह से डाउन करने की कोशिश नहीं करेगा, सभी मिलकर आपको उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ऐसे पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आते तो भी आपने ट्राई करना उस ग्रुप में। बाकी मैम आपको प्लेटफॉर्म वैसा बना देंगे कि आप हाँ उस काबिल बन जाओगे कि आप उस चैट जो डिस्कशन वगैरह रहेगी वहाँ पर जाकर डिस्कशन कर सकते हो, और आने वाले टाइम पर आप खुद देखोगे आप किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हो, क्योंकि मैम ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको बताएंगे। हालांकि इंग्लिश में ट्रिक्स तो कोई होते नहीं है, एक ऐसे मैम आपको प्लानिंग वगैरह बताएंगे, ऐसे स्ट्रेटेजी बताएंगे जिस पर अपने काम करना है, आप अच्छे से ग्रो करोगे। क्योंकि एक लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज तो कोई भी सीख सकता है, आपने हिंदी ही सीखे तो कैसे सीख ली है,
किसी ने आपको आके तो कोर्स थोड़ी करवाया, हिंदी स्पीकिंग कोर्स करो तो आपको इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज वगैरह आएगी, नहीं करवाया ना, तो बिल्कुल सिंपल था, वैसे इंग्लिश पे आप आराम से सीख सकते हो, वैसा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। और कुछ भी अगर ऐसा स्टडी मटेरियल है जो आपके लिए ज़रूरी है, जैसे डेली के वर्ड्स कुछ आपको सीखने पड़ेंगे, तो कंपलसरी है ना, इंग्लिश बोलने तो कुछ वर्ड्स आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है, इस तरह की चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना। तो या कुछ और भी स्टडी मटेरियल रहने वाला है जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, आने वाले टाइम पर हम इस कोर्स को एक्सपैंड करेंगे, सिर्फ यहाँ पर नहीं रोकेंगे। जैसे कुछ ना वोकैब स्किल्स वो तो इसी में आ जाएंगे, बाकी पर्सनलिटी डेवलपमेंट वगैरह इस तरह के हम कोर्स में यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं जो कि इससे रिलेटेड होंगे, वो आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करेगा, इंटरव्यू स्किल्स वगैरह जो रहेंगे वो सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। तो उससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल होगा ना, वो सब कुछ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे इस चैनल पर हमारी वेबसाइट में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। साथ में आपको बताना चाहूंगा, हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ना, वो सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं, तो आप वहां पर जाके कनेक्ट होना चाहते हो तो कनेक्ट हो सकते हो। और अगर किसी कंप्यूटर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको रूल्स वगैरह चाहिए इंग्लिश के, तो मैम वो भी आपको करवाएंगे आने वाले टाइम में। जल्दी हम CHSL का बैच स्टार्ट करेंगे, स्टैनो का बैच स्टार्ट करेंगे, जेके पुलिस का, कई सारे बैच हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है। तो मैम मतलब आपको रूल्स भी बताया करेंगे, और यहाँ पर मैम जितना सिंपल हो सकता है ना सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसा ना लगे कि इंग्लिश एक बर्डन है, एक सिंपल सी लैंग्वेज है, ये फंडा मान के आपको चलना है, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव हमारा आपको किस तरह का लगा है, आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, जैसा भी लगा है, आपने फीडबैक देना है। अगर आपको सजेशन देना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये जो स्पीकिंग कोर्स अगर चल रहा है उसमें इसी तरह से आप लेके चलो, ये चीज़ें ऐड कर दो, हम आपके सजेशन का वेलकम करते हैं, आपके फीडबैक का वेलकम करते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये वीडियो मैं अपनी तरफ से लेकर आया हूँ ना। अभी मैम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे हम किस तरह से कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो सभी सजेशंस ऐड कर दो, जो भी फीडबैक देना चाहते हो ऐड कर लो, ताकि मैम इन सभी चीज़ों को देख करना जो पहले वीडियो वो बना सकेंगे, ठीक है। क्योंकि हम आपके साथ डील करने जा रहे हैं, आपको सिखाने जा रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। इतना क्लियर हो गया? किसी भी तरह का डाउट होगा अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना है। थैंक यू, जय हिंद।